आप लोगों का नए ब्लॉग में दोबारा स्वागत है। तो आज है संडे का दिन, तो आज जो यहाँ की लड़कियाँ हैं, जो समर वैकेशन में बच्चे आए हैं, उसमें से गर्ल्स लोग हैं, गर्ल्स लोगों को आज बाहर आउटिंग के लिए ले जाया जा रहा है। तो यहाँ हमारे पवित्र भाई हैं, ये अच्छा वाला ड्राइविंग करते हैं, और इधर अच्छे से इधर कुछ लड़कियाँ बैठी हुई हैं, और ये सागर भी जा रहा है कंडक्टर की तरह। ठीक है सागर, कुछ बोलना चाहोगे कंडक्टर ने? और पीछे और भी लोग हैं, ये लोग बैठ चुके हैं सागर और उसके। तो अभी हम लोग जाने वाले हैं, कहाँ पे जाने वाले हैं सागर? म्यूजियम जाने वाले हैं। तो म्यूजियम में जाने वाले हैं, तो ये सब हमारे मेंबर्स हैं, तो बैठे हुए हैं लोग। तो हम लोग की जर्नी स्टार्ट हो चुकी है, ये हम लोग इस रास्ते से जा रहे हैं, ये रूट हम लोगों का है। बहुत दिनों के बाद निकल रहे हैं सागर। तो पहले म्यूजियम जाएंगे, उसके बाद और कहीं जाना है, पार्क कौन सा पार्क जाएंगे देखते हैं। तो पहले हम लोग, ये हम लोगों का सभी रेलवे कॉलोनीज हैं, और सामने हम लोग का दिख रहा है ये मार्केट है, यहाँ पर सबसे मार्केट लगता है। और ये सामने बगल में जो दिख रहा है वो हमारा रेलवे हॉस्पिटल है, ये सामने जो है रेलवे हॉस्पिटल। हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं। पहले एक्चुअली में हम लोग ये आई थी, हम लोग पहले यहाँ पढ़े थे, इस वाले स्कूल में पहले पढ़ाई होती थी, और इस वाले पार्क में खेलते थे सब। तो ये हम लोगों का जब ये तुम्हारे सीनियर जो बैच है ना, इसमें पढ़े थे, और इस वाले पार्क में सब खेलते थे, ये पूरा स्कूल हम लोग लिए थे। तो अभी हम लोग मिलेंगे म्यूजियम में तो कुछ समय के बाद। तो इस तरह से हम लोग आ चुके हैं प्लेटोनियम, ठीक है, ये म्यूजियम आ चुके हैं, और ये यहाँ पर सभी लोग उतर गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सोना मैडम आ चुकी हैं, तो अभी हम लोग अंदर जाने वाले हैं, चलिए। तो ये हम लोगों का म्यूजियम है, और यहाँ पर देखिए बच्चे लोग अंदर जाते हुए। तो आज यही हम लोग इसी में जाना है। तो ये देखिए हम लोग निकल रहे हल्के हल्के, आ रहा तो उधर से फोटो खींचना, ठीक है। अरे ये लोग आ गए, तो यहाँ पे देखिए 11 क्लास के बच्चे भी लोग आ चुके हैं। तुम इधर गए थे म्यूजियम? हाँ म्यूजियम म्यूजियम आ जाओ भाई, डर सुअर सभी 11th वाले बॉयज लोग आ चुके हैं। सर हम सर हम रूम पे नहीं हैं, आपको देखे तो चले। हम लोग अंदर आ चुके हैं, और अभी हम लोग अंदर जाने वाले हैं। तो ये हमारे साथ इधर है सेल्फी पॉइंट, तो यहाँ पर देखिए कुछ लोग सेल्फी ले रहे हैं, और हम लोग अंदर जाने वाले हैं, यहाँ पर रजिस्टर करना है। तो हेलो एवरीवन, देख सकते हैं आज है 5 जून, जो कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है। तो आज के दिन देखिए कितना अच्छा यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं, रंगोली बनाया गया है, कितना अच्छा लग रहा, बहुत अच्छा, मस्त, एक नंबर। देख सकते हैं यहाँ म्यूजियम के सामने फ्रंट गेट पर बनाया गया है, यहाँ पर सब लोग हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर म्यूजियम के अंदर डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें दी गई है, और यहाँ जिंदा है, कौन है ये जिंदा, किस एंगल से लग रहा है, आधे भी से लग रहा है। सबसे खतरनाक ये होते हैं सर, इसको ना कोई भी एनिमल्स, हाँ सामने से देखो, सामने आप बढ़ो, क्या चीज़ है ये देखो, ये है ये वेल का स्कल है, स्किन। तो यहाँ पर देख सकते हैं सब लोग सेल्फी ले रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पर भी बहुत सारा चीजें हैं। अब देख सकते हैं हंटेड हाउस की तरह, हाँ तो ये एक बहुत अच्छा, ये एक तरह से नज़ारा बनाया गया है।
देखिए कितना अच्छा लग रहा है। आप देख सकते हैं सभी लोग घूम रहे हैं, कितने लोग आए हुए हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हुए हैं। कहाँ गए सर? बाकी लोग किधर गए? बाकी लोग किधर गए? इधर देखो, ये तुम्हारा महानदी का पूरा डाय मैपिंग दिया हुआ, कहाँ कहाँ पानी जाता है। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि महानदी जो नदी है उसका मैपिंग कहाँ कहाँ गया था। और इधर दिया हुआ है बायोडाइवर्सिटी के बारे में, बहुत सारी चीज़ों के बारे में दिया गया है। ये फ्रेश वाटर लेक दिया है, इधर दिया है बिटकॉइन क्या लोरी फील्ड्स, अच्छा डेकोरेशन किया है। लेकिन इसमें सबसे यूनिक चीज़ मैं बता रहा हूँ कि एसी लगा हुआ है, एसी बहुत अच्छे से काम कर रहा है। तो ये देख सकते हैं सागर, ये ओरिजिनेटर कहाँ से हो रहा, दिखा तो नहीं रहे। खराब है ये सब, कहाँ खराब है क्या? हाँ ये देखिए, तो ये लोग इधर घूम रहे हैं, देख सकते हैं यहाँ पर एक बलीन वेल स्केलेटन है। तो यहाँ पर देखिए कितना बड़ा स्केलेटन है, अप्रॉक्सीमेटली ये होगा 50 मीटर्स ऊपर होगा, 50 मीटर्स ऊपर का इसका लेंथ है। तो ये रियल का स्केलेटन है। तो इस तरह से ये हमारा म्यूजियम का शो है, बहुत अच्छे से है ये, इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट है आना। तो यहाँ का सबसे बेस्ट चीज़ ये आप आपको दिखा सकते हैं कि यहाँ देखिए डिफरेंट वराइटीज़ का बटरफ्लाइज देख सकते हैं, कितनी अच्छी लग रही है। तो ये आर्टिफिशियल है या नेचुरल है आई डोंट नो, बट देखिए कितना अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि उसके मोथ बटरफ्लाइज बिटल्स एंड स्कॉर्पियन, इसमें सभी कुछ है, बहुत सारी चीज़ें हैं। स्कॉर्पियन भी रखे गए हैं और भी बहुत सारे इंसेक्ट रखे गए हैं। और सबसे प्लस पॉइंट बता देना, इसमें हम लोग का चेहरा भी दिख रहा है क्या? हम लोग का फेस भी दिख रहा है सर यहाँ पे ना। हाँ यहाँ आप देख सकते हैं सभी लोग का, अच्छा लग रहा है। तो तुम भी आओ। तो यहाँ पर राइनोसोरस का स्कल यहाँ पर दिख सकते हैं, और यहाँ पर एक जंगल व्यू की तरह दिख रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है ये। तो यहाँ पर मेरे को सबसे अच्छा लगा यही अभी तक, इसे बच्चे लोग सेल्फी ले रहे हैं अभी तक। तो यहाँ तक आई थिंक मेरे को सबसे अच्छा ये लगा इसमें का, क्योंकि ये सब चीज़ें बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये एक सेल्फी पॉइंट बहुत अच्छा लगेगा, पीछे देख सकते हैं। सकते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट वराइटीज के स्नैक्स रखे हुए हैं यहाँ पर। यहाँ पर हम देखिए कितने अच्छे, ये कोबरा है, ये सांप कितने अच्छे हैं यहाँ पर, इसके इसके डिटेल दी गई है। नाजा हाँ, यहाँ इंडियन कोबरा के बारे में बताया गया है, ये विपर के बारे में बताया गया है, ये डिफरेंट डिफरेंट स्नैक्स रखे गए हैं। तो यहाँ पर कुछ लड़कियाँ देख के डर रही है, ये हमारा पाइथन, पाइथन इधर देख सकते हैं पाइथन। तो ये हमारा था इसके बारे में। तो ये हमारा को बुला। तो यहाँ पर और भी देख सकते हैं कितना अच्छा सीनरी दिया हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा है। वाह कितना अच्छा लग रहा है, मस्त, वेरी गुड। हम तो जानते थे कि दो कलर के थे, कितनी वैरायटीज़ के, कितनी वैरायटीज़ के हैं यहाँ पर। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पर ह्यूमन स्केलेटन के बारे में दिया गया। ये भाई ये किसका होगा, ये देख रहे हो ये किसका होगा स्केलेटन रखा गया होगा। चलो उधर देखते हैं, उधर स्नैक्स हैं।
यहाँ पर डायनासोर का स्केलेटन बनाया गया है, वो एक्चुअली में रियल नहीं है, आर्टिफिशियल है। तो यहाँ पर आप लोगों को ऑलरेडी दिखा चुका हूँ डिस्कवरी सेंटर में। तो ये कुछ भी डिस्कवरी नहीं करेंगे हम। तो यहाँ पर कुछ हुआ अंदर है कि नहीं है, लेकिन सबसे प्लस पॉइंट है कि इसके अंदर हिस्सी है नहीं है। तो यहाँ पर सागर कुछ बताना चाहता है। हाँ बताओ सागर, क्या बता रहे हैं? कितना मछली है सर, देख रहे हैं? अच्छा मछली अब दिख रहा नहीं, इतना सारा मछली सर। अच्छा और कहाँ गए? और कहाँ गए? उन लोग को मालूम ही नहीं है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट अमेजिन एनिमल्स, इसके बाद सर्च ऑफ शू ई सी के बारे में बताया गया, कितना अच्छा चीज बताई गई। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, तो ये जिराफ है, बहुत सारा चीज़ है। और यहाँ पर इनवर्टिब्रेट ठीक है, मोनेरा प्रोटिस्ट है, श्रुति ये तुम्हारे काम का एम्फीबियन ठीक है, एम्फीबियंस ये देख लो रियल में कैसे दिखते हैं, देख रही हो? ये अमेजन प्लांट्स के बारे में, तुम्हारे बायोलॉजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बायोलॉजी से हो ना? तो यहाँ पर ये सब चीज़ें हो गई। और सबसे अच्छा इम्पोर्टेंट दिखाते हैं, ये हमारे गायत्री के लिए है ह्यूमन स्केलेटन। से लास्ट हम लोग बोल सकते हैं स्टैचू जो भी है, तो ये हमारा हाथी है, इसको शायद ये इसको इसके इसके बारे में डिस्क्रिप्शन दिया गया है बहुत सारा, बुलेट लगा हुआ है। हाँ इसको बुलेट लगा हुआ था, इसको इसका शिकार किया गया था, तो इसको सबसे पहले इसको क्या गया था? मारा गया था इधर से। तो यहाँ पर इसको बुलेट मारा गया था, आप देख सकते हैं ये रेड कलर का जो सिंबल्स है ना, रेड कलर का जो सिंबल्स है वो बता रहा है कि यहाँ पर बुलेट किया गया था। लेकिन ये उसके बाद मर गया था, लेकिन मरने के बाद इसको दोबारा इसको म्यूजियम में प्लेस कर दिया गया। अब इसका नाम क्या था आई डोंट नो, लेकिन ये देख सकते हैं इसके बारे में, इसका जो रियल पिक है ये ऐसा दिखता था। ये बहुत अच्छा काम, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल था। और ये इसके बारे में और भी बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं, देख सकते हैं। और तो यहाँ पर ये सबसे लास्ट हम लोग बोल सकते हैं ह्यूमन, फ़ोटो उठा दें एक मिनट। तो यहाँ पर सभी लोग अपना अपना फ़ोटो खींच रहे हैं, अभी हम जा रहे हैं फ़ोटो खींचने के लिए। यहाँ पर म्यूजियम का ट्रिप ख़त्म हो गया है, तो अभी हम लोगों का यहाँ सेल्फी पॉइंट है, सेल्फी पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ, ऑलरेडी लिखा हुआ सेल्फी पॉइंट के बारे में। तो अभी सभी लोग जा रहे हैं सेल्फी लेने के लिए जा रहे हैं। तो सेल्फी के लिए सब तो ये देखिए सभी लोग सेल्फी के लिए खड़े चुके हैं। तो आ रहे हैं वापस, हम लोगों का यहाँ पर शो खत्म हुआ। तो आप लोग बता सकते हैं कैसा लगा? बहुत अच्छा, खुशी में लग रहा है। तो ये लोग अप्रोक्सीमेटली 2 वीक के बाद निकल रहे हैं, क्योंकि 2 वीक तक इन लोगों के क्लासेस चल रहे थे। तो आज सर बहुत ज़्यादा मेहरबान थे, इसलिए इन लोगों को परमिशन मिल गया जाने का। तो म्यूजियम में क्या क्या अच्छा, सबसे अच्छा क्या लगा? सबसे एक एक पूछे ना बता सर। मेरा वो जो हड्डी था बड़ा वाला, अच्छा इसका मछली का, तुम बताओ। मुझे वो बटरफ्लाई कलेक्शन बहुत अच्छा लगा। अच्छा ठीक है, आप बताओ। अरे नो सर बता जल्दी, बता। मुझे नहीं पता, मुझे हाथी अच्छा लगा। हाथी मुझे बटरफ्लाई, एंट्रेंस अच्छा लगा। देख लीजिए आप लोग एंट्रेंस, आप लोग खुद बताएंगे। आप लोगों को बहुत सारा मैंने वीडियो बना के डाला है, तो आप लोग बता सकते हैं कि कौन सा फूल भी अच्छा लग रहा है। चलो ठीक, अच्छी बात है, अच्छा लग रहा है। तो ये तो अभी इसका सीजन खत्म हो चुका है, तो अभी हम लोग जाने वाले हैं वापस। तो ये आज हम लोगों का आउटिंग था, अभी देखते हैं हम लोग का प्लानिंग और है जाने का पार्क। तो अभी टाइम है, हम लोग जा रहे हैं पार्क। तो वहाँ पर पार्क में हम लोग सिर्फ साथ फ़ोटो शूट करेंगे, तो अगर फ़ोटो शूट करेंगे तो उसको हम लोग ब्लॉग के लास्ट में मैं डाल दूँगा, ठीक है? उसके लिए वीडियो नहीं बनाऊँगा। तो मिलते हैं नए ब्लॉग के लिए, बाय बाय टाटा। अगर आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। बाय।